खुद को मारने की सुपारी दे डाली। ये खबर थोड़ी फिल्मी और इस खबर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये सीरियल जैसी कहानी। खबर क्या है, चलिए आपको बता देता हूं खबर क्या है, उसकी शुरुआत कर देता हूं। खबर जानने के लिए आप बने रहिएगा। ये कहानी थोड़ी फिल्मी है, इस खबर को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप कोई सीरियल देख रहे हैं। जंगल में एक गाड़ी मिली, गाड़ी में एक शख्स की लाश थी, सनसनी मच गई। क्या हुआ, किसने मारा, कौन है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी खबर देखना पड़ेगा। चलिए बता देता हूं, अंबिकापुर में एक बड़े स्टील व्यापारी के बेटे की हत्या हुई है, लेकिन ये मर्डर है, सुपारी किलिंग है या आत्महत्या, इसको समझना बहुत कठिन पहेली है। क्योंकि बहुत पैसे वाले घर से था अक्षत केडिया, जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। 7 से 8 देश घूम चुका था, शहर में कहीं भी आना जाना होता था तो महंगी कार से ही आता जाता था, और आज लाश मिली तो वो भी कार में ही मिली। अंबिकापुर मनेंद्रगढ़ रोड के किनारे जंगल के पास कार से लाश मिली है। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर गाड़ी को अनलॉक किया, गाड़ी के शीशों में भी खून के छींटे लगे थे। रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी गई हैं अक्षत गेटिया को। ठीक सुन रहे हैं आप, 3 गोली। और आपको पता है जिस पिस्टल से हत्या की गई है वह भी अक्षत केडिया की ही है। गाड़ी से 3 महंगे पिस्टल भी मिले हैं, पिस्टल के लाइसेंस नहीं है। कह रहा हूं मैंने आपसे कहा था ना कि मामला आपको पूरा सीरियल जैसे लगेगा, सुनते जाइए। पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो पता चला अक्षत केडिया ने खुद की हत्या के लिए ही सुपारी दी थी, खुद को मरवाने के लिए सुपारी दी थी अक्षत। बताइए क्या हरकत है, खुद को मरवा दिया। कोई कैसे खुद की सुपारी दे सकता है भाई, सुपारी तो छोड़िए, गोली मारने के लिए पिस्टल भी लाया, चलाने वाले को सुनसान जगह में अपनी कार में ही बैठा कर लाया। यह हैरान करने वाली कहानी है, परेशान हो रहे हैं आप भी सुनकर तो विस्तार से जान लीजिए। जिसकी हत्या हुई है उसका नाम अक्षत केडिया है, पिता का नाम महेश केडिया है, अंबिकापुर में प्रतिष्ठित अंबिका स्टील नाम का फर्म है, और शहर के जाने माने व्यापारी। अब सोचिए, करोड़ों की संपत्ति है लेकिन खुद की हत्या करवा दी, इसके लिए 50,000 रुपए भी दिया, लाखों रुपए का सोना भी मरने के बाद हत्या करने वाले को ले जाने के लिए कहा, मतलब अपनी हत्या के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च किया है अक्षत केडिया। जिस जगह अक्षत केडिया की हत्या हुई हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल वहां पहुंचे थे, रिपोर्ट देखिए। बनारस रोड, अंबिकापुर बनारस रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर का एरिया है, ये पगडंडी रास्ता आता है। कार से अक्षत अग्रवाल इस रास्ते से होते हुए ये इस मौके पर यहाँ पर आया। हत्या से पहले यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग मिक्सचर के, अलग अलग शराब के बोतल और अलग अलग शराब के बोतलों के जो ढक्कन हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। पूरा सुनसान इलाका है क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी कम होता है, और ये जो मैं जिस तरह आप देख रहे हैं पूरा जंगल जैसा है पूरा क्षेत्र, ये मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ नहीं आते क्योंकि यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कोई प्लानिंग था पहले से कि यहाँ पर आके उन्होंने हत्या का वारदात को अंजाम देंगे। ये अंबिकापुर में गोली मारकर हत्या जैसी जो घटना बहुत दिनों बाद हुई है, और उसके बाद अब पूरे शहर में सनसनी का माहौल है। अब हत्या का खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। अक्षत केडिया के साथ आरोपी संजीव मंडल को कार में देखा गया था। संजीव मंडल पहले अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज में काम करता था, मतलब यही यही काम करता था। करीब 1 साल पहले उसने काम छोड़ दिया था। पुलिस संजीव मंडल के घर गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्या करने के बाद आरोपी संजीव मंडल घर में सोया था, 50,000 रुपये कैश भी बिस्तर में ही पड़ा था। फिल्मी कहानी लग रही है। संजीव मंडल कोई और नहीं, अक्षत के ही दुकान में पहले काम करता था, जो मैंने आपको बता दिया। संजीव मंडल के पिता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई। मैं घर पे नहीं था, पर जैसे उसकी माँ से पता चला कि 3 बजे तक लड़का घर पे था, घर में रहने के बाद नहा वहा के सब रेडी था, कहीं से उसको फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद फिर उसकी माँ बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि नहीं आ रहा हूँ, कह के वो घर से वो निकल गया। और उस फ़ोन के पास जाने के बाद फिर कुछ देर के बाद फिर वापस आया गाड़ी उड़ी छोड़ के। कोई कैसे खुद को मरवा सकता है, इससे पुलिस भी हैरान है, और बेटे के मौत से परिजन सदमे में है। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के बाहर खड़े हैं, लेकिन बेटे की हत्या पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्या कह रही है ये सुन लीजिए। सुनाइए। महेश कुमार केडिया, जिनकी अंबिका स्टील के नाम से गांधीनगर क्षेत्र में दुकान है,
उन्होंने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका लड़का अक्षत अग्रवाल जो है वो करीबन शाम को 6 बजे से अपने साथ मोबाइल लेकर के गया है और सफ़ेद रंग की एक्स्ट्रा कार में निकला है और कुछ टाइम से जो है उसका मोबाइल बंद है। तत्पश्चात थाना गांधीनगर में जो है गुमनसान कायम किया गया और उसके बाद में उसका जो मोबाइल लिया था उसका CDR और लोकेशन निकलवाया गया, लोकेशन बंद पाया गया। CDR जब आया तो उसके जो सस्पेक्ट नंबर से उसमें पूछताछ किया गया है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगा विस्तार न्यूज में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये कहानी थोड़ी फिल्मी लग रही है, थोड़ी उलझी हुई है।